मुझे मिल चुका है इंडियन बाइक 7 3D का न्यू अपडेट। और भाई अपडेट में आया है मेरे पास एक मोड, वो भी बहुत खतरनाक होने वाला है और भाई उसे खेलने में बहुत ही मजा आएगा, वो तो मेरे लिए न्यू है। सबसे पहले हमको जाना चैलेंज में, जहाँ पर आप देख सकते हो टाइटन मोड, और भाई ये खेलने में बहुत ही मस्त होने वाला है। और भाई इसे मैं आज खेलने वाला हूँ, देखते हैं भाई ये कैसा होने वाला है। और भाई मेरे लिए ये न्यू है, आपके लिए भी ये न्यू होने वाला है। और भी मेरे पास बहुत सारे मोड है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मोड स्टार्ट हो चुका है। वेट, ये मैं कहाँ पर आया हूँ, एक कंटेनर है या फिर ड्रम मान सकते हो जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। और भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पर मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मैं नीचे भी नहीं कूद सकता, पता नहीं भाई क्या होने वाला है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। वेट भाई यहाँ पर क्या है, एक कार खड़ी है जो कि गाइस बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है। और भाई इसका कोई ना कोई तो काम होना चाहिए इस मोड में। जल्दी से यहाँ से मुझे जंप करना पड़ेगा, जंप करने के बाद मैं यहाँ पर चढ़ पाऊंगा। लेट्स गो भाई, जल्दी से मैं आराम से चढ़ भी चुका हूँ। और भाई ये कार के पास, वेट, टाइटन मोड एक्टिव। और भाई यहाँ पर आने के बाद हमारा जो टाइटन मोड है वो एक्टिव हो चुका है। और भाई यहाँ पर आने के बाद मुझे पता नहीं भाई क्या करना पड़ेगा, शायद हमको बैठना होगा कार के अंदर। और भाई कार के अंदर बैठने के बाद शायद कुछ ना कुछ अलग हो। और भाई यहाँ पर वेट, फोन निकालते हैं जल्दी से। और यहाँ पर क्या होने वाला है, वेट, यहाँ पर फाइंड दिस ट्रक लिखा हुआ है। और भाई इसका मतलब है इस ट्रक को हमें ढूंढना पड़ेगा। और भाई ये ट्रक मुझे पता है, ये है पेट्रोल पंप में। जल्दी से बैठते हैं कार के अंदर और चलते हैं ट्रक के पास। और भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंडियन बाइक 7 3D में बिल्कुल भी ऐसा ट्रक नहीं है यार। एक ट्रक ट्रेलर है जो कि कैसे एक ट्रक है और ट्रेलर है, दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, आप उसे अलग अलग भी ले सकते हो। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस ट्रक को हम लेने जा रहे हैं वो एक नॉर्मल ट्रक नहीं है भाई, वो बहुत ही तगड़ा वाला ट्रक है। जैसे कि इंडियन ट्रक आप जानती होगी कैसे देखने में लगते हैं, सेम वैसा ट्रक है। और भाई वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है, उसे जल्दी से फाइंड करते हैं। और भाई बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मस्त दिखने में लगेगा वो ट्रक। फाइनली गाइस आप देख सकते हो हमने आधे से ज्यादा रास्ता क्रॉस कर लिया है। और भाई यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, वेट भाई यहाँ पर मेरी कार पलट चुकी है। और भाई इसके जो जितने भी पार्ट है सब अलग हो गए यार, ये क्या हुआ यार। चलो भाई जल्दी से चलते हैं, फाइनली हमारे सामने पेट्रोल पंप दिखने लग चुका है। फाइनली गाइस हमारे सामने पेट्रोल पंप तो आ चुका है। जल्दी से यहाँ पर कार को रोकते हैं। और भाई कार को रोकने के बाद जल्दी से चलते हैं और भाई ट्रक को देखते हैं, जल्दी से उसे फाइंड कर लेते हैं। और भाई यहाँ पर तो आ चुका हूँ, यहाँ पर एक दीवार छोटी सी बनी हुई है, इसको जल्दी से मैं कूद जाता हूँ यार। और यहाँ से मैं कूद चुका हूँ। वेट भाई यहाँ पर कोई भी ट्रक नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, कहीं भी नहीं है यार। और भाई ट्रक कहाँ गया पता नहीं भाई। और भाई यहाँ पर होना चाहिए, जो कि गाइस सेम लोकेशन यही है हमारे, केवल यहाँ पर एक ही पेट्रोल पंप है और कहीं भी नहीं। वेट, चेक योर फोन। और भाई ट्रक लेना है तो 5 NPC को मारो, NPC को मारना पड़ेगा जल्दी से, 5 NPC को। चलो भाई जल्दी से मार देते, इतना तगड़ा तो टास्क नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। और भाई NPC को मारने के बाद यहाँ पर हमारे सामने ट्रक आ जाएगा, इंडियन ट्रक, जो कि गाइस बहुत ही एकदम रियर होने वाला है। फाइनली गाइस इसे मैं मार देता हूँ, एक मर चुकी है। और भाई दूसरी कहाँ पर गई है, इसको भी मार देता हूँ, ये NPC मर चुका है। दो को मार दिया है, तीसरा ढूंढते हैं। और ये है, इसको भी मार देते हैं, और ये भी क्या। और भाई यहाँ पर चौथा मिल जाना चाहिए, मिल गया भाई, इसको भी मार देते हैं। फाइनली गाइस ये भी मर चुका है, यहाँ पर पांचवा दिखना चाहिए, ये भी है, और इसको मार देते हैं। और वेट, और ये भी गया। फाइनली गाइस हमें मिल चुका है इंडियन ट्रक, जो कि गाइस देखने में बहुत ही तगड़ा लग रहा है। और भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है यार, कुछ कहने की बात ही नहीं भाई, जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ही तगड़ा देखने में लग रहा है। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, उसे हमें फाइंड करना था, जो कि गाइस हमने इसे फाइंड कर लिया है। और भाई ये तो बहुत ही तगड़ा लग रहा है, कुछ कहने की बात ही नहीं यार, ऐसा तो ट्रक हमारे गेम में है ही नहीं यार। फाइनली गाइस हमें जिस ट्रक को फाइंड करना था हमने कर लिया। और भाई इसे करने के बाद हमारा ये मिशन तो कम्प्लीट हो चुका है। वेट भाई यहाँ पर लिखा है चेक योर फोन, फोन निकालते हैं, यहाँ पर क्या है, प्रेस दिस लीवर। और भाई ये जो लीवर है ना, इसको हमें प्रेस करना पड़ेगा और भाई इसे ढूंढना पड़ेगा, जो कि गाइस मुझे तो पता चल चुका है ये जुरासिक पार्क के अंदर। एंड गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जुरासिक पार्क के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है यार, वहां पर बहुत सारे डायनासोर्स रहते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके के जानवर है, और भाई उनसे मुझे बच के रहना पड़ेगा, इसके बाद में उस लीवर को ले पाऊंगा और उसे मैं प्रेस कर पाऊंगा। लेट्स गो भाई जल्दी से चलते हैं। और भाई यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ, मेरे सामने जुरासिक पार्क। लेट्स गो भाई मैं सामने तो आ चुका हूँ, यहाँ पर दरवाजा, जल्दी से चलते अंदर। फिर गाइस यहाँ पर दरवाजा तो खुला है, पर इसके आगे कंटेनर लगा हुआ है, पता नहीं भाई दीवार है, वॉल लगा हुआ है भाई। और भाई इसे पता नहीं किसने लगाया होगा, और भाई इसके बिना तो मैं अंदर जा ही नहीं सकता। और भाई यहाँ पर पुलिस का भी खतरा है, जो कि गाइस मैंने NPC को मारा था ना, और भाई पुलिस मेरे पीछे पड़ी होगी, उससे भी मुझे बच के रहना पड़ेगा। मेरे पास एक ट्रिक है जो कि गाइस मुझे लग रहा है काम कर जाएगी। और भाई यहाँ पर मैं कार को भगा के लेकर जाता हूँ, देखता हूँ अंदर जा पाएगी कि नहीं। फाइनली गाइस यहाँ से मैं जंप करने वाला हूँ, क्या मैं अंदर जा पाऊंगा। और भाई यहाँ पर मैंने जंप तो कर दिया, देखते हैं भाई क्या होने वाला है। और भाई बहुत ही यहाँ पर परेशानी की बात है, और यहाँ पर मेरी कार तो अंदर आ चुकी है। फिट, और भाई इस कार को मैं नहीं निकाल सकता हूँ भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरी कार है ना, एकदम साथ में एकदम चिपट के पेड़ के साथ खड़ी हो चुकी है। और भाई मैंने गिर चुका हूँ नीचे। वेट यार,
कहाँ पर मैं जाने वाला हूँ मुझे भी नहीं पता चल रहा। और भाई यहाँ पर मेरी कार है जिसको मैं सीधा कर रहा था, पर ये सीधी नहीं हो सकती, मुझे तो पक्का पता चल चुका है। और भाई इसके बाद यहाँ पर जो वॉल लगी हुई है भाई एक डब्बा सा बना हुआ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स गो भाई, जल्दी से चलते हैं और भाई देखते हैं भाई क्या होने वाला है। और भाई मुझे बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं भाई क्या होने वाला है यार। यहाँ पर दरवाजा तो खुल चुका है और ये वॉल है, इसके ऊपर मुझे जल्दी से कूदना पड़ेगा। कूदने के बाद भाई चलते हैं अंदर और भाई अंदर जाके देखते हैं क्या है। और फाइनली गाइस मैं अंदर गिरना चाहूँ और भाई मैं गिर चुका हूँ, मेरे चोट लग चुकी है लात में। लेट्स गो। वेट भाई यहाँ पर क्या है यार, और यहाँ पर पता नहीं भाई कौन सी अजीब चीज है। और भाई ये मुझे अभी तो नहीं मार रही। जेट पैक के पास जाना होगा, इसको मुझे बाहर लेकर जाना है। यहाँ पर एक जेट पैक भी है और भाई इसको मैंने मार दिया, ये एक दीवार के बाहर भाग रही, इसको मुझे मारना पड़ेगा और इसको मैंने मार दिया है। फाइनली गाइस इसको दोनों को मैंने मार दिया, जल्दी से जेट पैक को उठाते हैं और लेकर चलते हैं। शायद भाई जेट पैक का कोई ना कोई तो काम होना चाहिए। और भाई यहाँ पर मैंने जेट पैक को तो ले लिया, आराम से उड़ा के लेकर चलते हैं। और भाई जो लीवर है ना उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसे फाइंड करना पड़ेगा, जो कि गाइस एक वॉल है या फिर कंटेनर है, इन दोनों में से कोई भी हो, हमें चाहिए लीवर। लीवर लेने के बाद उसको जल्दी से हमें प्रेस करना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, जल्दी से चलता हूँ। और भाई यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं तो बहुत ही दूर आ चुका हूँ ढूंढते, पता नहीं भाई कहाँ पर लीवर है। और भाई पता नहीं मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा यार यहाँ पर तो। और भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ पाया, जल्दी से उतरता हूँ नीचे। और भाई नीचे उतरने के बाद जल्दी से फोन निकालते हैं और भाई फोन में देखते हैं कि वो लोकेशन कौन सी है। और भाई यहाँ पर मैंने फोन तो निकाला, ये लोकेशन मुझे पता चल चुकी है भाई, थोड़ा सा आगे और जाना है और भाई मैं लीवर के पास पहुंच जाऊंगा। और भाई पहुंचने के बाद मैं उसे प्रेस भी कर दूंगा। फाइनली गाइस यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ और भाई यहाँ पर आने के बाद शायद नीचे ही होना चाहिए, जो कि गाइस जो कंटेनर है ना सेम यही रंग का है, जैसा ये नीचे का मैदान आपको दिख रहा है ना सेम यही रंग का है। वेट गाइस यहाँ पर मुझे एक लकीर सी दिख रही है, पता नहीं भाई ये शायद ये कंटेनर तो नहीं है। और भाई यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ, जल्दी से यहाँ पर उतरता हूँ नीचे, देखता हूँ भाई क्या होने वाला है। और भाई यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ, शायद मुझे लीवर मिल जाए, और लीवर मिल चुका है। इसको जल्दी से नीचे करते हैं, इस डंडी को जल्दी से मैं नीचे कर देता हूँ और ये नीचे हो चुकी है। इसके बाद भाई देखते हैं क्या होने वाला है भाई। और भाई यहाँ पर तो मैं बाहर तो निकल के आ चुका हूँ और भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और गाइस हमें लगता है थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, इसके बाद ही हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। और वेट गाइस यहाँ पर ऊपर लिखा है चेक योर फोन, जल्दी से फोन निकालते हैं और यहाँ पर लिखा है फाइंड दिस पोर्टल। और भाई ये जो पोर्टल है ना इसको हमें जल्दी से फाइंड करना पड़ेगा, ये जुरासिक पार्क के बाहर है, एकदम सामने है यार। और भाई चलो भाई जल्दी से चलते हैं और भाई इस पोर्टल को देखते हैं भाई क्या होने वाला, मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए ये तो एकदम न्यू है। फाइनली गाइस हमारे जितने भी मिशन थे ना सभी कंप्लीट हो चुके हैं, हमें बस पोर्टल के पास पहुंचना है। इसके बाद भाई जो टाइटन है उसको हम उठा उठा के पटकेंगे। लेट्स गो भाई, यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ और भाई यहाँ पर मुझे वो पोर्टल मिल चुका है भाई। और भाई यहाँ पर मैं खड़ा हूँ भाई, कितना बड़ा ये पोर्टल है यार, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं भाई क्या क्या होने वाला है। और भाई यहाँ पर तो मैं बहुत ही छोटा सा हूँ, पता नहीं मैं बड़ा कैसे होऊंगा, और मैं जेंट बनूंगा तभी तो मैं उनको मार पाऊंगा। और यहाँ पर तो मैं खड़ा हूँ भाई, पता नहीं भाई क्या होने वाला है। और भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, वेट भाई थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा फिर हमें पता चलेगा। और भाई यहाँ पर मेरा जो बंदा है ना एकदम खड़ा है सीधा, वेट भाई यहाँ से मैं कूदा हूँ और भाई देखो मैं बन चुका हूँ जेंट। और भाई यहाँ पर जो फ्रैंकलिन था ये बन चुका है जेंट फ्रैंकलिन। और भाई इसके बाद देखते हैं वीर भाई यहाँ से टाइटन, दो टाइटन निकले हैं और भाई ये भी एकदम जेंट बन चुके हैं। और भाई ये जेंट टाइटन को हमें मारना पड़ेगा वरना तो भाई सब कुछ काम बिगड़ जाएगा यार। और भाई यहाँ पर मैं हूँ, मैं भी जेंट हूँ, मैं इनसे लड़ सकता हूँ और भाई इनको मैं मार सकता हूँ, वरना तो भाई सब कुछ एकदम खेल बिगड़ जाएगा। लेट्स गो भाई, जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ उस जेंट के पास। और भाई यहाँ पर मैंने बिल्डिंग को लात मारी और भाई ये चुका है नीचे। और भाई एक को तो मैंने निपटा दिया, अभी भाई दूसरे को मारना बाकी है। और भाई ये भी मुझे बहुत ही ललकार रहा है कि मेरे सामने आओ और मुझे मारो, और भाई इसे निपटाना होगा जल्दी से। और ये मारा मैंने हाथ, और भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिर चुका है नीचे। वीडियो को कर देना लाइक।